So this is the second part of our December 2022 immunology paper. In the last part, we have done till question 4 and we'll continue from question 5 in this part. The fifth question is, draw the structure of the MHC class 2 molecule and discuss three functions. So if we talk about MHC class 2 molecule, then class 2 MHC molecules are also the glycoproteins that are expressed on antigen presenting cells. तो जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एंटीजन को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पेप्टाइड्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स में. तो बेसिकली एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं क्या, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो, मान लो ये अगर कोई एपीसी है तो इसकी सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है एमएचसी क्लास मॉलिक्यूल्स. So, MHC molecules are glycoproteins that are expressed on antigen-presenting cells. In addition, they present the processed antigen peptide to TH cells. यहाँ पे जो भी antigen present होगा, उसके साथ कौन react करेगा, कौन उसे recognize करेगा? T cell receptor, मतलब T cells जो हैं, वो उसके साथ bind करते हैं. जो class 2 molecules होते हैं, उसके साथ TH cells bind करते हैं. और जो class 1 molecules होते हैं, उसके साथ cytotoxic cells करते हैं. MHC class 2 molecules are made up of two polypeptide chains. The alpha chains are 33 kilodalton and beta chains are 28 kilodalton respectively. Non-covalent interactions are related to both the alpha chain and beta chain. अगर हम यहाँ पे एक structure देखें, तो यहाँ हमें दो alpha chains नज़र आ रही हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में ये एक peptide है जिनके बीच में sulfide linkage भी है. Again, यहाँ पे दो beta chains हैं, इनके बीच में ये जो gap है, इसको बोलते हैं peptide cleft या peptide binding cleft. और again, ये जो protein जा रहा है, this is a transmembrane protein हमें नज़र आ रहा है. सो यहाँ पे दो टाइप की चेन है, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन. अल्फ़ा चेन है 33 किलो डाल्टन की, बीटा चेन है 28 किलो डाल्टन की. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस. द क्लास टू मॉलिक्यूल्स हैव पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट. ऑल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन दैट कॉम्प्रोमाइज एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन अ सिमिलर मैनर. तो ये जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये सेल की सर्फेस, सेल की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं. ईच चेन ऑफ क्लास टू मॉलिक्यूल हैज़ टू आउटर डोमेन्स जनरेटेड बाय नंबर वन एंड नंबर टू. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसके आउटर डोमेन्स हैं ये नंबर वन, ये नंबर टू, और इस साइड पे बीटा चेन का भी नंबर वन एंड नंबर टू. ईच बीटा चेन कंटेन टू एक्सटर्नल डोमेन्स बीटा वन एंड बीटा टू. द क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली. तो इनको भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी की फैमिली से ही मिलता जुलता मानते हैं. देर इज़ अ होमोलॉजी बिटवीन द फोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टू डोमेन एंड बीटा टू डोमेन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्स्टेंट रीजन डोमेन. तो हम इसको क्यों मानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन की सुपर फैमिली से है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमें अल्फा टू और बीटा टू के डोमेन में नज़र आ रहे हैं, मतलब कि जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो बॉन्डिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, वही सेम बॉन्डिंग हमें इम्यूनोग्लोबुलिन के एफ सी रीजन में, मतलब हमें वो हमें एफ सी पीछे का जो कॉन्स्टेंट रीजन होता है, इसमें नज़र आती हैं. देर आर टू पेयर्स ऑफ डोमेन्स दैट इंटरैक्ट. अ मेम्ब्रेन डिस्टल पेयर इज मेड अप ऑफ अल्फा वन एंड बीटा वन डोमेन. अगर हम बात करें डिस्टल पेयर की, तो वो उसमें आता है अल्फा वन और बीटा वन. और अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल पेयर की, तो वो आता है अल्फा टू और बीटा टू. सिंपल वर्ड में मान सकते हो कि डिस्टल होता है जो दूर होता है, प्रॉक्सिमल होता है जो पास होता है. तो अगर आप ये देखो, ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसके पास कौन सा पार्ट है, अल्फा टू और बीटा टू चेन, तो ये हो गया प्रॉक्सिमल पेयर. और दूर कौन सा पार्ट है, अल्फा टू और बीटा टू, तो ये हो गया डिस्टल पेयर. द क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल आर डाइमर्स ऑफ डाइमर्स मेड अप ऑफ बीटा हेट्रोडाइमर्स. तो ये डाइमर्स ऑफ डाइमर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा चेन है वो हेट्रोडाइमर है, मतलब कि अलग अलग दो चेन्स की बनी हुई है. द डायमर इज ऑल्सो पोजिशन इन सच अ वे दैट द टू पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट फेस अपोजिंग ईच अदर. ये इस तरीके से बने हुए हैं कि जो पेप्टाइड क्लेफ्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं. एंटीजन पेप्टाइड बाइंडिंग टू क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल देन डिलीवर देम टू द सीडी फोर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑन टीएच सेल्स. जो भी यहाँ पे बाइंडिंग हो, मतलब जो भी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे, इन क्लेफ्ट के थ्रू वो सीधा ही डिलीवर हो जाएंगे सीडी फोर मेम्ब्रेन पे टीएच सेल्स की. जो अभी हमने पढ़ा कि एमएचसी के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको टी सेल रिसेप्टर, या हमने कहा टीएच सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं टीएच सेल्स के ऊपर. तो ये था हमारा मैक्रोफेज, या हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसके ऊपर है हमारा एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल. इसके साथ बाइंड कौन करेगा, टीएच सेल.
और THCl के ऊपर क्या चीज़ है, CD8 प्रेजेंट है जो इसके साथ बाइंड करेगा, सॉरी CD4 प्रेजेंट है जो इसके साथ बाइंड करेगा। एक्सोजिनस एंटीजन्स ओरिजिनेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलरली फ्रॉम फॉरेन एंटिटी सच एज बैक्टीरिया आर प्रेजेंटेड ऑन Class 2 मॉलिक्यूल। ये हमने बिगनिंग में पढ़ लिया था एक्सोजिनस पाथवे में। MHC Class 2 मॉलिक्यूल दस कंट्रोल एक्सोजिनस एंटीजेनिक, तो एक्सोजिनस एंटीजेनिक प्रोसेसिंग में हमेशा कौन से MHC इन्वॉल्व होते हैं, Class 2 मॉलिक्यूल, और वो हमेशा बाइंड किसके साथ करते हैं, TH सेल्स के साथ। नेक्स्ट इज डिफाइन साइटोकाइंस एंड मेंशन देयर रोल इन द इम्यून। साइटोकाइंस आर द प्रोटीन सेक्रेटेड बाय वाइट ब्लड सेल्स एंड मेनी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो हमारे WBCs हैं और मेनी अदर सेल्स, मतलब जितने हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स सेक्रेट करते हैं कुछ केमिकल इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन एंटीजन। दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स विद रेगुलेटरी रोल। इनका मेन फंक्शन है रेगुलेटरी रोल करना, या फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन। जैसे जो भी अब हमने पढ़ा था कि साइटोकाइन, मान लो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरफेरॉन दे, तो ये आइटम जो एंटीवायरल स्टेट है वो प्रोड्यूस करेंगे, या इंटरल्यूकिंस, बहुत सारे इंटरल्यूकिंस सेक्रेट होते हैं। मान लो अगर बी सेल एक्टिवेट हुए, तो बी सेल एक्टिवेट होने पे प्लाज्मा सेल बन रहे हैं, मेमोरी सेल बन रहे हैं, प्लस कुछ साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं जो क्या करेंगे, और फैगोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। कुछ साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं जो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। साइटोकाइंस आर टाइनी प्रोटीन्स दैट प्ले क्रूशियल रोल इन सेल सिग्नलिंग। ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। सेल्स रिलीज देम एंड दे हैव पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटीज। द प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइंस इंक्लूड प्लियोट्रॉपी, रिडंडेंसी, साइनर्जी, एंटागिज्म एंड कैस्केड इंडक्शन। तो बेसिकली ये प्लियोट्रॉपी, मतलब इनके मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइनर्जी मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलके भी कॉम्प्लीमेंट्री काम कर सकते हैं, कि मान लो दो साइटोकाइंस मिलके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्रोड्यूस कर लें। एंटागनिज्म हो सकता है कि मान लो जो दो साइटोकाइन रिलीज हो रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर सकते हैं। पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब है कि कभी कभी, ऑटोक्राइन मतलब जिन सेल से साइटोकाइन सिक्रीट हो रही है उन्हीं सेल पे एक्ट करें, पैराक्राइन का मतलब है कि जिन सेल से ये सिक्रीट हो रहे हैं उनके अपने नेबरिंग पास वाले सेल्स में ये एक्टिवेट हो रही है। साइटोकाइंस आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी इंक्लूड कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, लिम्फोकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स एंड अदर्स। साइटोकाइंस आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एक्टिवेशन। तो इनका काम या तो स्टिमुलेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है। स्टिमुलेटरी मतलब ये या तो एक्टिवेट कर रहे हैं दूसरे सेल्स को, एंटीबॉडी सेक्रेशन को, दूसरे साइटोकाइंस की सेक्रेशन को, या फिर ये कभी कभी अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो चुके हैं, नाउ देर इज़ द नीड टू सप्रेस इट, टू एंड द इम्यून रिस्पॉन्स, तो उस टाइम पे भी कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो प्रीवियस रिलीज साइटोकाइंस के एंटेगनिस्टिक होते हैं, उनको स्टॉप करते हैं। इन दिस वे दे आर एबल टू रेगुलेट द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। द बाइंडिंग ऑफ साइटोकाइंस टू टारगेट सेल लीड टू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर। जब ये साइटोकाइंस अपने टारगेट सेल्स के साथ बाइंड करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो साइटोकाइन का जो रिसेप्टर है वहाँ पे एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मोर साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स विच कैन गो एन अफेक्ट ऑन अदर टारगेट सेल्स। तो बेसिकली एक साइटोकाइन है, उसने किसी दूसरे सेल के साथ बाइंड करा, इस सेल ने और दो तीन तरीके के साइटोकाइन सिक्रीट कर लिए जो आगे और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पे एक्ट करेंगे और उनको स्टिमुलेट करेंगे। देयरफॉर इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोकाइन सिक्रीटेड बाय एंटीजन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ मेनी इम्यून सेल्स। अगर हम फंक्शंस करें, तो हमने कहा बहुत सारी कैटेगरीज के साइटोकाइंस हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय मैक्रोफेजेस एंड हैज सेवरल फंक्शन लाइक इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स एंड लिवर, न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन एंड लॉस ऑफ फैट एंड मसल। इंटरफेरॉन अल्फा भी मैक्रोफेजेस से सिक्रीट होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीवायरल स्टेट क्रिएट करता है, और ये मेनली होता है न्यूक्लिएटेड सेल में। तो न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है कि ये मोनोसाइट्स में, डेंड्रिटिक सेल्स में इनमें प्रेजेंट होगा। ये NK सेल्स को एक्टिवेट करता है और MHC Class 1 मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन को भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंडोजिनस जब होता है, जब भी एंडोजिनस
पाथवे होता है, तो उस टाइम पे MHC क्लास वन मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करते हैं। इंटरल्यूकिन जो है वो सिक्रीट होता है टी सेल से एंड कॉजेज बी सेल प्रोलिफरेशन। तो मान लो MHC मॉलिक्यूल पे कोई एक एंटीजन प्रेजेंट हुआ, इस एंटीजन को रिसीव करा या एक्टिवेट, इससे एक्टिवेट हुआ टी एच सेल पॉलीफ्रेट करके और टी सेल्स बनाएगा, प्लस कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेगा जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। इंटरफेरॉन गामा, इट इज़ सिक्रीटेड बाय CD8 टी सेल्स। ये CD8 टी सेल्स है, मतलब टी हेल्पर सेल से ही सिक्रीट होते हैं, सॉरी साइटोटॉक्सिक सेल से सिक्रीट होते हैं और NK सेल से सिक्रीट होते हैं। सर्व टू एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, सिमुलेट बेटर एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड इंक्रीजेज द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल्स। सो दिस वॉज अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग। तो एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग क्या होती है? बी सेल्स इज एक्टिवेटेड बाई एंटीजन दैट इज स्पेसिफिक टू एन एंटीबॉडी बाउंड मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करते हैं उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है बाय बी सेल। दिस वॉज क्लोनल सिलेक्शन एंड क्लोनल प्रोलिफरेशन। तो एक स्पेसिफिक टाइप का बी सेल जो उस एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना सके वो एक्टिवेट होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। जब वो एक स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट हो गया तो वो बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। इस एक्टिवेशन के स्टेज के टाइम में जब बी सेल्स बनता जा रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनिशियली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है ना, जो हमारी बॉडी में प्राइमरी होती है, वो होती है IgM। ठीक है, लेकिन जैसे 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 वो इन्फेक्शन थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब मान लो कि अगर एक इन्फेक्शन अभी जनरेट हुआ हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज हुआ, तो इनिशियली हमारी बॉडी में IgM प्रोड्यूस होगी, लेकिन आफ्टर अ वीक और 10 डेज IgM का लेवल धीरे 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 कम होने लग जाएगा एंड डिफरेंट एंटीबॉडीज का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। जैसे IgG इंक्रीज़ हो जाएगी, IgA इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ क्लास स्विचिंग, कि पहले एक क्लास की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी लेकिन धीरे धीरे करके वो क्लास जो है वो चेंज होती जा रही है, जो IgM है उसका लेवल कम होता जा रहा है और दूसरी रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग द एक्टिवेशन स्टेज देयर इज प्रोग्रेसिव राइज इन द एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडीज जनरेटेड विच इज नोन एज एफिनिटी मैच्योरेशन एज वेल एज चेंज इन द एंटीबॉडी आइसोटाइप प्रोड्यूस बाई बी सेल्स विच इज़ नोन एज क्लास स्विचिंग। तो पहले तो एफिनिटी मैच्योरेशन होता है, कि मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोग्रेसिवली वो धीरे धीरे करके बॉडी में इंक्रीज होती जा रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ हायर एफिनिटी एंड डिफरेंट एंटीबॉडीज़ अदर देन IgM इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लास स्विचिंग। अब धीरे धीरे करके वो जो एंटीबॉडीज़ बढ़ रही हैं अदर देन IgM, क्योंकि IgM तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आ ही रही है, लेकिन बाकी एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे करके जब बढ़नी शुरू हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर गेटिंग प्रोड्यूस, नाउ दिस इज़ नोन एज क्लास स्विचिंग। आफ्टर इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेशन हो, उसके बाद जो हमारे बी सेल्स होते हैं कैन स्विच फ्रॉम एक्सप्रेसिंग IgM एंड IgD ऑन देयर सर्फेस टू एक्सप्रेसिंग IgG, IgE और IgA। तो धीरे धीरे करके वो जो क्लास है वो स्विच हो जाती है। दिस आइसोटाइप स्विचिंग और क्लास स्विचिंग चेंजेस द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। ये क्या करती है, ये उसका मेन फंक्शन चेंज कर रही है एंड इम्प्रूव्स इट्स एबिलिटी टू एलिमिनेट द पैथोजन, जो कि धीरे धीरे करके स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर पैथोजन को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प कर रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली यू हैव 5 ऑप्शन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एज ईच कंटेन 2.5 मार्क्स। The first short note is about graft transplant. Graft transplant basically क्या होता है कि हमारी body में जब भी कोई tissue या कोई organ transplant करा जाता है, so that is a part of graft transplant. अगर हम types of graft transplant की बात करें, depending upon the degree of immune response, there are 4 types of graft: autograft, syngraft, allograft and xenograft. ऑटोग्राफ या ऑटोजेनिक ग्राफ्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सेल्फ टिश्यू फ्रॉम वन बॉडी साइट टू अनदर विद इन द सेम इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्ट परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट्स विद बर्न, वेयर हेल्दी स्किन इज ट्रांसफर्ड टू द बर्न साइट एंड द यूज ऑफ हेल्दी ब्लड वेसल टू रिप्लेस द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज। तो बेसिकली एक जगह से स्किन उतार के अगर दूसरी, तो हमारी बॉडी का ही एक जगह से सेल्स या टिश्यू लेके अगर उसे दूसरी जगह पर प्लांट कर दिया जाए, दैट इज ऑटोजेनिक ग्राफ्ट। द नेक्स्ट इज सिनग्राफ्ट, जिसको हम आइसोग्राफ्ट या आइसोजेनिक ग्राफ्ट
ग्राफ भी बोलते हैं, टिश्यू ट्रांसफर्ड बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो हम जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स के बीच में जब कोई ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इट इज़ डन बिटवीन सिंजेनिक माइस या ह्यूमंस दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल ह्यूमन सिर्फ होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बीच में अगर ग्राफ्टिंग करी जाए कि एक का कोई ऑर्गन या टिश्यू लेके दूसरे में ट्रांसप्लांट करा जाए, दैट इज़ आइसोजेनिक ग्राफ्टिंग। द थर्ड वन इज एलोग्राफ्ट और एलोजेनिक ग्राफ्ट। टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज है, मान लो माइस का टिश्यू माइस में ही करा जा रहा है, लेकिन फ्रॉम टू डिफरेंट मेंबर्स। इन केस ऑफ माइस इट इज़ डन बिटवीन टू इनब्रिड स्ट्रेन्स ऑफ माइस या फिर ह्यूमंस में। अनलेस इट इज़ बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स, द ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल इज एलोग्राफ्ट। द लास्ट वन इज जीनोग्राफ्ट या जीनोजेनिक ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज लाइक ग्राफ्ट ऑफ अ बबून हार्ट टू ह्यूमन। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, अभी तक हमने जितने भी देखे थे वो सारे सेम इंडिविजुअल सेम स्पीशीज आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल में थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ही स्पीशीज हैं। सो ऑब्वियसली अगर स्पीशीज ही डिफरेंट है तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन होगा वो होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिजेक्शन होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। ड्यू टू द ग्रेटेस्ट जेनेटिक डिस्पैरिटी दिस लीड्स टू मोर सिवियर ग्राफ्ट रिजेक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज़ अ वेरी वाइडली यूज टेक्निक टू डायग्नोज मेनी डिजीजेज एंड टू फाइंड मेनी प्रोटीन्स या मेनी एंटीजन्स इन अ सीरम, इन अ प्रोटीन या कोई भी एक प्लाज्मा का मिक्सचर हो, उसके अंदर अगर हमें एक डिजायर्ड एंटीजन या एंटीबॉडी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एलाइजा इज़ वेरी वाइडली यूज दीज डेज। ELISA uses antigens or antibodies that are covalently bound to enzyme. तो यहाँ पर enzyme linked assay है, तो basically हम कुछ antigens को या कुछ antibodies को enzyme के साथ bind कर देते हैं। मतलब मान लो हमने किसी antibody को bind कर दिया एक enzyme के साथ, ठीक है, और अगर हम इसको किसी substrate के साथ act करेंगे तो जब ये enzyme और substrate act होंगे ना तो produce होगा color, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन प्रोसेस कि एंजाइम अगर सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर प्रोड्यूस होगा, और ये एंजाइम किसके साथ बाइंड है, एंटीबॉडी के साथ। तो अगर सब्सट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है तो मतलब वहाँ पे एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, जो हमें किस फॉर्म में विजिबल होगी, कलर की फॉर्म में। These enzymes catalyze the conversion of suitable chromogenic substrate into a colored reaction. तो जब ये enzyme किसी substrate के साथ, chromogenic मतलब कि color producing substrate के साथ catalyze करेगा, तो ये colored reaction product होगा, मतलब last में हमें color मिलेगा। High sensitivity, safety and low cost make ELISA a very useful technique these days in the estimation and detection of antibodies and antigen. The technique has several variations that are used on regular basis. In each case, a standard curve is plotted. तो जब भी ये करा जाता है इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया जाता है और उन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके देखा जाता है कि कितने एंटीजन या कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट ELISA। इनडायरेक्ट ELISA इज यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो बेसिकली हम इसमें हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम एंटीजन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंटीबॉडी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो ELISA यूज़ होता है वो एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। वेल्स इन अ माइक्रोटाइटर प्लेट आर कोटेड विद द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली हमारे पास वेल्स होते हैं इस फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे वेल्स होते हैं, उनके अंदर पहले से एंटीजन कोटेड होता है। यहाँ पे मान लो एक एंटीजन पहले से कोटेड है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर ELISA हो रहा है डेंगू का, डेंगू के वायरस के लिए, तो यहाँ पे एक एंटीजन, डेंगू का एंटीजन पहले से कोटेड है। फिर हमने क्या करा, हमने इसके अंदर पोर कर दिया पेशेंट का सीरम। जब हमने पेशेंट का सीरम इसके अंदर कोट करा तो अगर पेशेंट के सीरम के अंदर इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी तो वो इसके साथ बाइंड कर जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन एंटीबॉडीज़ को हम बाइंड कर देंगे अपनी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ के साथ। जो हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ थी हमने उसके साथ इसको बाइंड कर दिया। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो हमारी एंजाइम वाली एंटीबॉडी है, वो किसके साथ बाइंड करी है, एंटीबॉडी विच वॉज अगेंस्ट डेंगी। तो अगर यहाँ पे डेंगू के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी तो ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेगी। अगर ये एंजाइम वाली एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर गई तो जब हमने सब्सट्रेट डाला तब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, तब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ कलर, देन इट प्रोड्यूसेस
कलर ओवर है। तो अगर ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस कलर के प्रोड्यूस होने का साफ इंडिकेशन है कि सबस्ट्रेट का कलर होना, मतलब वो इंजाइम के साथ बाइंड हुआ है। इंजाइम के साथ बाइंड हुआ है मतलब जिस डिजायर्ड एंटीबॉडी को हम ढूंढ रहे थे वो उस सीरम के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज़ अबाउट इनडायरेक्ट ELISA। इनडायरेक्ट ELISA इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। Wells in the microwriter plate are coated with antigen of interest. Then the test serum sample is added to the well coated with antigen. तो माइक्रो वेल्स के अंदर एंटीजन पहले से कोटेड है, उस एंटीजन के अंदर हमने सिरम डाल दिया जिसमें हम चेक करें कि एंटीबॉडी है या नहीं है, एंड दे आर अलाउड टू रिएक्ट। द अनबाउंड एक्सेस प्राइमरी एंटीबॉडी इज वॉश्ड ऑफ। जितनी भी हम एक बार उसको वॉशिंग करके देखेंगे ताकि जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश ऑफ होकर निकल जाए। वाइल द बाउंड एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाउंड हो गई थी वो डिटेक्ट हो जाएंगी कैसे, जब हम उसमें एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे और फिर उसके अंदर हम सब्सट्रेट डालेंगे। द सब्सट्रेट टू द एंजाइम इज देन एडेड so as a product is formed. The amount of product can be measured by using ELISA plate reader. क्योंकि यहाँ पर जो eventual result है वो हमें किस form में नज़र आ रहा है, color की form में। तो concentration या intensity of color के basis पर भी हम देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। द वेल्स विच आर मोर डीपली कलर्ड आर हैविंग मोर एंटीबॉडीज एंड द वेल्स विच आर नॉट कलर्ड उनमें एंटीबॉडीज़ नहीं है। द वेल्स विच आर लाइटली और फेडली कलर्ड उनके अंदर जो एंटीबॉडी का अमाउंट है वो कम है। लेकिन ये एक सिर्फ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट एस्टिमेशन इसका ELISA रीडर मशीन होती है, ELISA प्लेट रीडर होता है, उसकी बेसिस पे हम इसको एस्टिमेट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ फैगोसाइटोसिस। इसको भी हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं इन अनदर वीडियो। सेल्स इंटरनलाइज सॉलिड मैटर लाइक पैथोजन। तो जो भी हमारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मान लो मैक्रोफेजेस, वो जो भी फॉरेन एंटीजन होगा उसको इनगल्फ कर लेंगे बाई फैगोसाइटोसिस। मेनी सेल्स ऑफ दिस टास्क बट इट इज़ अकम्पलिश बाई सेल्स कॉल प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स करते हैं, न्यूट्रोफिल्स करते हैं, ये काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये करते हैं वो करते हैं हमारे प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो उसमें आते हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स और न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटोसिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी एज इट डज नॉट रिक्वायर एंटीजन स्पेसिफिसिटी एंड ऑल्सो सर्व्स टू एक्टिवेट द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। हमने ये चीज़ पढ़ी थी अभी मैक्रोफेजेस के फंक्शन में कि ये कुछ साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करता है। जब ये कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है, क्योंकि जब ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, प्लस ये ऑप्शनाइजेशन कर रहा है। इट इज़ कॉलिंग ऑफ मोर मैक्रोफेजेस एंड मोर फैगोसाइटिक सेल्स टू द साइट टू इनगल्फ मोर ऑफ अदर सेल्स। द नेक्स्ट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। Adaptive immunity, इसके types और इसके action के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं detail में। So it is the acquired immune response जो कि हमारी body में generate होता है after certain period of time. It takes much longer time than innate immune response to become activated and respond. It can take even days or weeks, but adaptive immunity is more pathogen specific and also has memories. ये जो होता है वो antigen dependent है, हर antigen के against कौन सा bacteria है, कौन सा virus है, कौन सा pathogen है, उसके against different type of cells activate होंगे, different types of antibodies produce होंगे। Adaptive immune response is generated post exposure to a pathogenic antigen. अब वो post exposure, जब हमारी body में कोई foreign antigen enter होगा उसके बाद ये response generate होगा। तो अगर उसके बाद ये response generate हो रहा है, वो जो infection है, वो जो antigen है, ये भी हो सकता है कि वो infection natural हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आर्टिफिशियल हो, जैसे कि हमने कोई वैक्सीन लिया हो, बिकॉज वैक्सीन में भी वीक पैथोजेंस होते हैं। द रिस्पॉन्स आर टेलर मेड टू स्पेसिफिक एंटीजन चैलेंजेस एंड नॉट प्रेजेंट नेचुरली लाइक द इननेट इम्यून सिस्टम। ये जो होता है वो एंटीजन पे डिपेंड करते हैं कि कौन से स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये इननेट इम्यूनिटी की तरह नॉन स्पेसिफिक नहीं होता। तो हमने पढ़ा था अडैप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल अडैप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारी बॉडी खुद से फाइट करती है और रिकवर करती है, मतलब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है। वो कब होगा, जब हमारी बॉडी में एक्चुअली कोई पैथोजन एंटर करेगा, या फिर हमें प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ मिलेंगी नेचुरली, नेचुरली मतलब फ्रॉम मदर्स मिल्क और थ्रू प्लेसेंटा। आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो हमें आर्टिफिशियली मिल रही है, मतलब या तो वो हमें मिल रही है थ्रू एटेनुएटेड या किल पैथोजेंस, मतलब कि या फिर वो हमें मिल रही है वैक्सीन्स की फॉर्म में,
तो वो नेचुरल नहीं है, या टॉक्सॉइड्स की फॉर्म में तो ये आर्टिफिशियल हो सकती है, या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें मिलती है अगर हमारी बॉडी में सीधा एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाती है, अगर एंटीबॉडी का सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि कई केसेस में करा जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसके बारे में हमने पूरा एक डिटेल वीडियो में पढ़ा हुआ है. द लास्ट नोट इज़ अबाउट मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ WBCs. ये भी एक WBC का ही पार्ट होते हैं. दीज आर द लार्जेस्ट WBCs. दे आर द ग्रेटेस्ट इन साइज अमंग्स ऑल द WBCs इन एवरेज डायमीटर ऑफ 18 माइक्रोमीटर. दे हैव पेल ब्लू साइटोप्लाज्म. अगर हम इनको लीशमैन स्टेन से स्टेन करते हैं तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है. दैट इज़ डिस्टिंक्टली यू शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस. इनका जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली इस टाइप से हमें ज़्यादा नज़र आता है, या फिर इस टाइप का बायलोब सा. दे डिफरेंशिएट इनटू एक्सट्रीमली मोबाइल मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल. जब ये सीरम के अंदर एंटर हो जाते हैं ब्लड से निकल के, तो ये मैक्रोफेजेस या डेंड्रेटिक सेल्स की तरह परफॉर्म करने लग जाते हैं. विद रिमार्केबल एपेटाइट्स एज सर्कुलेटिंग मोनोसाइट माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज. तो जब ये ब्लड से टिश्यू के अंदर चले जाते हैं मैक्रोफेजेस की तरह या डेंड्रेटिक सेल्स की तरह काम करते हैं, विच आर वेरी गुड एट फैगोसाइटोसिस. और फैगोसाइटोसिस हमारे सेल्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, मतलब कि वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है. प्लस जब फैगोसाइटोसिस होता है तभी एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसके अगेंस्ट अडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है. सो दिस इज़ अ बेसिक रोल प्ले ऑफ मोनोसाइट्स. विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू. थैंक यू.